हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना हेलो भूलें। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं इनकम टैक्स का नया वीडियो, और वो भी बिल्कुल शुरू से। बुक है डॉक्टर एससी मेहरेत्रो एंड डॉक्टर एसपी गोयल, और जो आपका असेसमेंट ईयर है वो है 2019 से 20। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स का इतिहास क्या है, आज हम लोग जानेंगे। भारत में जो है सबसे पहले इनकम टैक्स कब, कैसे, कहाँ और किसके द्वारा लगाया गया था, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, ताकि हमारा हर नया आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स, मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स होता है क्या है, मीनिंग। मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स कहा गया है कि आयकर जो होता है ना, आयकर आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है, अर्थात यह साल में जो है आपको एक बार चुकाना होता है। जो भी आपका इनकम होता है ना, जो भी वर्ष भर की कमाई होती है, उस कमाई पर आपको साल में एक बार इनकम, साल में पूरे वर्ष के इनकम पर आपको इनकम टैक्स चुकाना होता है। यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष भर में कमाई गई कर योग्य आय पर लगाया जाता है। कहने का मतलब है, एक होता है करदाता, करदाता और एक होता है कर और एक होता है आय। हम आज जानेंगे करदाता कौन होता है। वह व्यक्ति, टैक्स पे बोलते हैं इंग्लिश में, वह व्यक्ति जो कर का भुगतान करता है उसे हम टैक्स पे या हिंदी में करदाता कहते हैं। और टैक्स जो भी आपका इनकम है ना, उस इनकम पर जो भी निर्धारित दर है, जो भी फिक्स रेट है ना, उस रेट पर आप जो अमाउंट पे करते हैं वह कर कहलाता है। और इनकम, इनकम क्या होता है, तो कहा गया है कि इनकम टैक्स जो है पूरे अधिनियम में, जो है पूरे अधिनियम में आय की परिभाषा नहीं दी गई है, ठीक है ना। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि इस एक्ट में गवर्नमेंट सरकार ने अभी तक आय की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी है। केवल इतना कहा गया है कि इनकम क्या होता है, तो कहा गया है कि इनकम का अर्थ इस धारा में के अनुसार जो है ना, लाभ, लाभांश या फिर किसी भी अन्य तरह का इनकम जो करदाता को गत वर्ष में प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। अब यहाँ पर है कि इनकम टैक्स में दो वर्ष होता है, एक होता है प्रीवियस ईयर, क्या होता है, प्रीवियस ईयर, और दूसरा होता है असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। इसको हिंदी में बोलते हैं गत वर्ष, और इसको बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष, कर निर्धारण वर्ष। तो गत वर्ष क्या होता है, कर निर्धारण वर्ष क्या होता है, तो हर इसको शॉर्ट में AY बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। हर असेसमेंट ईयर का एक प्रीवियस ईयर होता है। तो जिस वर्ष आपका इनकम होता है ना, जिस वर्ष के इनकम पर आप टैक्स दे रहे होते हैं, वह वर्ष जो है ना गत वर्ष कहलाता है। और जिस वर्ष हम कर का भुगतान करते हैं, वह कर का कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। यदि आप इस वर्ष एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका असेसमेंट ईयर है, ऐसे हमने हेडलाइन में ही लिख दिया है, असेसमेंट ईयर वो है आपका 2019 से 20, और जो आपका प्रीवियस ईयर है ना वो है 2018 से 19। तो स्टूडेंट को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका प्रीवियस ईयर क्या होता है और आपका असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो आपका असेसमेंट ईयर ये फिक्स है, इसको आप नेवर चेंज, यू कैन नेवर चेंज द असेसमेंट ईयर, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर आपका 19 और 20 है, और जो आपका प्रीवियस ईयर है 18 से 19 है। तो हम जो है ना, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको जो है A to Z जितने सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इनकम टैक्स में जितने सारे चैप्टर्स हैं, जो भी आपका सिलेबस है ना, मैं सारे क्वेश्चन जो है एक एक करके डॉक्टर एससी मेहरोत्रो की बुक का मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स। तो भारत में जो है सबसे पहले इनकम टैक्स कब लगा था, तो कहा गया है कि
इनकम टैक्स जो है ना वो सबसे पहले 1860 ईस्वी में लगाया गया था। वो क्यों लगाया गया था? क्योंकि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में जो है सैनिकों के द्वारा जो है सरकार को इतनी हानि हुई थी कि सरकार ने उस हानि की भरपाई करने के लिए सबसे पहले, चूँकि उस समय में जो है अंग्रेज का शासन था भारत में, ब्रिटिश रूल था उस समय, और उसमें जो है जिसके माध्यम से यह इनकम टैक्स लगाया गया था उस व्यक्ति का नाम था सर जेम्स विल्सन। तो 1860 में सबसे पहले जो है सर जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में आयकर लगाया गया था। उसके बाद अगला आयकर अधिनियम है 1886, फिर उसके बाद जो है ना लागू होता है 1918, 1922, 1939, इसी तरह से जो है ना क्रमशः यह जो है आपका इनकम टैक्स सरकार के द्वारा लगाया गया। इनकम टैक्स लगाने का सरकार का एक ही उद्देश्य होता है कि सरकार के आय का मुख्य स्रोत इनकम टैक्स होता है। तो इस वक्त जो हमारे पास हमारे यहाँ संशोधित आयकर अधिनियम है वो है 1961। ये एग्ज़ाम में पूछता भी है और ख़ास करके ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि संशोधित आयकर अधिनियम है तो पूरे भारत में 1 अप्रैल 1961 को जो है भारत में संशोधित आयकर अधिनियम लागू होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना संशोधित का मतलब है इसमें सभी तरह के अशुद्धियों को दूर किया गया है, क्योंकि इनकम टैक्स में जो है बहुत सारी जटिलताएं थी। सरकार ने हमेशा उसमें संशोधन किया है और प्रयास किया है कि नागरिकों को जो है बहुत ही कम दुविधा हो और आपको सुविधा हो, इसलिए जो है प्रत्येक वर्ष इसमें संशोधन करना अनिवार्य होता है। और इसमें जो है ना प्रत्येक वर्ष जो है चूँकि मुद्रा विस्फीति होती है मनी इन्फ्लुएंस मनी डिफ्लुएंस, इस वजह से जो है ना इनकम टैक्स का जो दर है वो हमेशा बार बार चेंज होते रहता है। क्योंकि कभी आप देखते हैं कि हम 10 रुपया में 1 kg आलू खरीदते हैं और कभी 10 रुपया में 1/2 kg आलू खरीदते हैं। एक समय ऐसा आता है जब हम 10 रुपया में 2 kg आलू खरीदते हैं, तो रुपया तो 10 का नोट ही है बट उसके खरीदने की जो शक्ति होती है ना वह कभी घटती है कभी बढ़ती है। इसको बोलते हैं मनी इन्फ्लुएंस मनी डिफ्लुएंस, मुद्रा स्फीति या मुद्रा विस्फीति। तो इस कारण से जो है ना मनुष्य जो लोगों का आय है उस आय में परिवर्तन होता है तो आयकर की दर में भी परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आयकर क्या होता है। तो आयकर के बारे में कहा गया है इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है हमेशा एग्जाम में, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। राज्य सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से जब चाहे इस दर में संशोधन कर सकती है। तो चलिए हम इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि इनकम टैक्स में प्रायः 2 वर्ष का जिक्र होता है, एक होता है असेसमेंट ईयर एक होता है प्रीवियस ईयर। फिर हमने आपको आय के बारे में बताया, आय क्या होता है, टैक्स के बारे में बताया, टैक्स पे के बारे में बताया, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, और जो भारत में संशोधित आयकर अधिनियम है वो है 1 अप्रैल 1961। आयकर क्या होता है? आयकर जो है डायरेक्ट टैक्स अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय बोर्ड के माध्यम से लगाया जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है ना वो हम आपके हिसाब से आपको सॉल्व करके देते जाएंगे। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक, यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक्स अ लॉट।